जीरो पॉइंट ब्रिज के समीप पाटीदार अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई, जिसके चलते अस्पताल व आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मरीज झुलस गए हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। दरअसल यह घटना रविवार सुबह करीब 11:30 बजे हुई। पाटीदार अस्पताल में आग की लपटें देख लोगों के होश उड़ गए। चिल्ला पुकार होते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई, तो वहीं अस्पताल में मौजूद डॉक्टर व स्टाफ के साथ ही मरीज के परिजन व आसपास के लोग यहां भर्ती नवजात बच्चों व गंभीर मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालने में जुट गए। तो वहीं कुछ लोग आग के कारण तीसरी मंजिल पर भागे और पास की बिल्डिंग पर छलांग लगाकर खुद को बचाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड सहित पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, तो वहीं कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पाटीदार अस्पताल में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज भी भर्ती थे, तो वहीं सूचना पर कई अस्पतालों की एम्बुलेंस भी यहां पहुंच गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मरीज झुलस गए, जिसमें 4 लोग गंभीर है। मौके पर पहुंचे कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि आईसीयू के पास संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। सभी तत्काल मरीजों को शिफ्ट किया गया और आग पर काबू पाया गया। सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग के कारण 4 लोग ज्यादा झुलसे हैं। अब आग लगने के कारण का पता लगाने के साथ ही अस्पतालों में ऐसी घटना ना हो, इसका भी एनालिसिस किया जाएगा। देखिए, आज पाटीदार अस्पताल में आईसीयू के जो बगल वाली जगह थी, वहाँ से संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, और जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई तो सभी विभागों ने त्वरित कार्रवाई करी। इस मामले में मैं प्रशंसा भी करूंगा कि जो नगर निगम की फायर की टीम थी, पुलिस का जो पूरा अमला था, आईएमए के जो लोग थे जिन्होंने तत्काल एम्बुलेंस भेजी, सभी लोगों ने तत्काल सारी टीमें रवाना करके सारे पेशेंट्स को शिफ्ट कराया और आग पे तत्काल काबू पा लिया गया है। और यहाँ पे लगभग अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स एडमिट थे, जिसमें से 11 पेशेंट्स उस आईसीयू में भी थे जहाँ पर आग लगी थी। सभी को विधिवत तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है और ज़्यादातर पेशेंट्स को आड़ी गाड़ी में भेजा है। कुछ जो सीरियस बर्न, 4 ऐसे लोगों की सूचना मिली है जिनको थोड़ा जलने की जो है वो सूचना प्राप्त हुई है, उनको गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट करा के उनका इलाज तत्काल चालू हो गया है। सभी एम्बुलेंसेस तत्काल पहुंच गई थी, सभी ने इसमें बहुत मदद करी और यही कारण था कि लगभग आधे घंटे के अंदर ही सभी पेशेंट्स को हमने शिफ्ट करा दिया है। अब आग का क्या कारण था और दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, इनका भी हमारे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। एसपी ने कहा कि सूचना पर तत्काल पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। मरीजों को तत्काल दूसरे अस्पताल भेजा गया। कुछ मरीजों के आग में झुलसने की जानकारी मिली है। पाटीदार हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना प्राप्त होते ही तत्काल ही फायर ब्रिगेड नगर निगम को खबर करके फायर ब्रिगेड की टीमें रवाना की गई, और साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और बाकी जो हॉस्पिटल हैं जिसमें मरीजों को शिफ्ट किया जाना है, उसके संदर्भ में पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया और सभी जगह से एम्बुलेंसेस आ गई थी, और लगभग 35 से 40 मिनट के अंदर हमने ये पूरा इवैक्यूएशन कर लिया है। ज़्यादातर मरीज आड़ी गाड़ी हॉस्पिटल भेजे गए हैं, और इसमें कुछ मरीज, ऐसा जानकारी में आया है, कुछ जो झुलस गए, आग से झुलस गए हैं, कि बेहतर इलाज हो इसके लिए व्यवस्था की है। फायरकर्मी दीपक कुशवाहा ने कहा, तुरंत फायर फाइटर आए और आग बुझाई गई। यहां नवजात बच्चों को भी तत्काल बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। सूचना मिली कि पाटीदार अस्पताल में आग लग गई है। तुरंत हमारे फायर फाइटर वहाँ से आए और उन्हें आग पर काबू पाया है। क्या देखा आपने? यहाँ पे प्रथम मंजिल में कोविड का आइसोलेशन वार्ड था, उसमें आग थी। उसमें कम से कम 10 से 12 लोग, अभी क्या स्थिति है? सुरक्षित निकाल लिया गया, थोड़े बहुत हानि हुई है। आग का पूरी तरीके से काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शी सुंदर यादव की माने तो अस्पताल में अचानक आग लगी और ब्लास्ट हुआ, तभी अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सभी मदद को पहुंच गए। अस्पताल के नीचे बैठा हुआ था हमारा पेशेंट था, वहाँ पे भर्ती तीसरी मंजिल पे, तो वो भर्ती थे, जो एकदम मतलब आग लगी, जैसे ही मैंने फाटक की तरफ देखा तो वो आग लग रही थी वहाँ पे, जो चिल्ला चोट, हमने भी चिल्ला चोट करी और आग लग गई, जो ऐसे आग लगी एकदम, और ब्लास्ट हुआ अंदर, एकदम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में जैसे ही मतलब कर्मचारी लोग जैसे अस्पताल के थे, इन्हें तोड़ फोड़ करके बीच बचाव करने लगे, और जनता नौनता सभी कर्मचारी लोग सभी इकट्ठे हो गए यहाँ पे, और फायर ब्रिगेड ने ये सभी आ गई। देखा जाए तो पाटीदार अस्पताल में लगी आग के बाद ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मंथन करने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।